फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है बार बार, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन का, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर ये ऑप्शन मिलता है स्लीप का, स्लीप पे टैप करना है तो आपका पेज आता है। इस पेज में अगर आपका जो ये टाइमिंग है ना, अगर आपकी टाइमिंग जो कम टाइमिंग पे सिलेक्टेड है तो इसमें आपको टाइमिंग को बढ़ा लेना है, जिससे आपके फोन की स्क्रीन ज्यादा देर तक ऑन रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ना ओपन करना है। इस ऐप में नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज पे टैप करना है, यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है तो ये पेज आता है, इसे ओके करना है तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इसे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है। ठीक है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ही ध्यान रखते हैं आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।